हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल की मूंगौड़ी, जो बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मूंग दाल को रात भर के लिए भिगो कर रखा था, इसको अच्छे से धो लिया है, इसके कुछ छिलके निकाल दिए हैं और कुछ छिलके इसमें रहने दिए हैं, क्योंकि इससे इन छिलकों से ही हमारी मूंग दाल क्रिस्पी बनती है। थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक मिलाया है और इसमें हरी मिर्च मिलाई है। अब हम इस मूंग दाल को पीस लेंगे। और फिर मैंने प्याज भी काट के रखी हुई है और धनिया मिर्च काट के रखी हुई है, उनको हम इसके पीसने के बाद मिलाएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम पहले मूंग दाल को निकाल लेते हैं मिक्सर जार में और इसको पीस लेंगे। अब ये हमने हमारी दाल पीस ली है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जितना अच्छा लगे। और इसमें हम डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। और फिर ये नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें जो हमने प्याज काट कर रखी हुई थी, अब इसको मिक्स कर देंगे। और ये हमारी धनिया पत्ती, अब इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जी, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। कुछ देर हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद फेंट लेंगे। इससे हमारी मूंगौड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी और क्रिस्पी बनेंगी। अच्छे से हम अपनी दाल को मिक्स कर लिया है। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। पहले थोड़ी सी डाल के देखेंगे कि हमारा तेल गर्म हो चुका है कि नहीं। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम छोटी छोटी मूंगौड़ी इसमें डालेंगे। छोटी छोटी डालिएगा, थोड़ी बड़ी डालेंगे तो वो अच्छे से सिक नहीं पाती हैं और क्रिस्पी नहीं लगती हैं। इस तरीके से मूंगौड़ी तोड़िएगा, थोड़ी थोड़ी डालना है। पहले गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमें मीडियम आंच में मूंगौड़ी को सेंकना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मूंगौड़ी तोड़िएगा। अब हमने फ्लेम मीडियम कर लिया है। अब आराम से हमारी मूंगौड़ी को सिकने देंगे, मीडियम आंच में पकेंगी तो काफ़ी क्रिस्पी बनेंगी। अब हम इन्हें थोड़ी सी सिकने के बाद पलटा देंगे। ये देखिए, ये हमारी मूंगौड़ी थोड़ी सी पक गई हैं, इनको हम पलटा देंगे। इस तरीके से हमें इनको पलट पलट कर सेकना है। अब हम इन्हें मीडियम आंच में ही सेकेंगे, जिससे कि ये बहुत अच्छे से अंदर तक सिक जाएं। अगर हम तेज आंच पर इसको सेक लेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह सकती हैं, तो इसलिए हमें इन्हें मीडियम आंच पर सेकना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। देखिए, पलट पलट कर आपको बहुत अच्छे तरीके से मूंगौड़ी को सेक लेना है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी ईजी होती है मूंगौड़ी बनाना, और ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ईजी है और सिंपल है, बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मूंगौड़ी सिक गई हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से इतनी क्रिस्पी मूंगौड़ी हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा, घर पर बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। ये देखिए, हमारी मूंगौड़ी रेडी हो गई हैं। ये देखिए, हमारी मूंगौड़ी रेडी हो गई हैं। बढ़िया से चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व कीजिए, बढ़िया खाइए और सबको खिलाइए। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।